आपकी मशीन है उस मशीन पे ही आपको काम करना है, ऐसा नहीं करना है कि हो सकता है कि आज आपकी मशीन प्रॉब्लम है आपके बगल में या फिर कुछ दूरी पे कोई सेंटर है उसका सेंटर सही चल रहा है और वो उस समय नहीं है और आप जाके उस पर लॉगिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है। आपका जो मशीन रजिस्टर्ड है आपने जिसमें फर्स्ट टाइम अपना ऑपरेटर लॉगिन किया आपको उस पर अपनी मशीन पे ही काम करना है, एक दूसरे के सिस्टम में लॉगिन नहीं करना होता है। किसी भी तरह का कोई भी हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी आधार से रिलेटेड आप लोग अपने सेंटर पर नहीं रखें। आपको एनरोलमेंट फॉर्म रखने की भी ज़रूरत नहीं है, जो DMS जिसको बोलते थे पहले, DMS वाला पार्ट हुआ करता था, क्योंकि अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं आप लोग और जो भी डॉक्यूमेंट लेते हैं वो रियल टाइम स्कैन हो जाता है। तो आपको अपने सेंटर पे किसी भी के आधार की जो कॉपी है या फिर उसका ओरिजिनल आधार है वो बिल्कुल भी नहीं रखना है। अपने सिस्टम में भी उसका सॉफ्ट कॉपी ना रखें स्कैन करके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो एनरोलमेंट फॉर्म भी लेते हैं तो आप ये ऐसा कर सकते हो कि एनरोलमेंट फॉर्म के पीछे ही उसका एनरोलमेंट स्लिप प्रिंट करके वापस कर सकते हैं, कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट ना रखें। आधार नंबर की एंट्री आप अपने रजिस्टर जो आपको बताया जाता है उसमें फॉर्मेट में भी हमने कभी भी उसमें कॉलम नहीं दिया हुआ है आधार नंबर का, तो किसी भी रेजिडेंट का आधार नंबर कंप्लीट आधार नंबर नोट डाउन करके ना रखें, ना कोई ऐसा रजिस्टर मेंटेन करें जिसमें कि किसी का आधार नंबर आप लोग नोट कर रहे हो। क्योंकि हमारे जितने भी VLE भाई हैं UCL पे काम कर रहे हैं सभी आप लोग अपने आप में बैंक BC भी है, तो बैंकिंग की गाइडलाइन के अनुसार भी आपको बताया जाता होगा इस चीज़ के बारे में। तो प्लीज़ आधार नंबर चूँकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका जो है मिसयूज हो सकता है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट अपने पास में उस तरह से नहीं रखना है। एड्रेस वाला पार्ट में आप लोग जो सन ऑफ डॉटर ऑफ यूज करते थे अब उसकी जगह केवल केयर ऑफ ही यूज होता है, तो अपनी तरफ से सन ऑफ और डॉटर ऑफ यूज करने की कोशिश ना करें, हम लोगों को केवल केयर ऑफ ही यूज करना है। हम लोग जो एड्रेस अपडेट करते हैं HOA बेस्ड, मैं भी अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, HOA बेस्ड जो एनरोलमेंट हम करते हैं तो HOA बेस्ड जो एनरोलमेंट होता है उसमें जो डिक्लेरेशन ली जाती है एड्रेस प्रूफ के लिए कि एड्रेस जो भी कंसर्न हेड ऑफ द फैमिली है वो डिक्लेरेशन देता है, तो वो डिक्लेरेशन जो है आप लोग अच्छे से उसको भरवा के और चेक करके ही उसको यूज करें। और एड्रेस वाले पार्ट में एड्रेस अपडेट करने के लिए आप उसको बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ईमेल में आपको कोई डॉक्यूमेंट यूज नहीं होता है, तो वो चीज़ें आपको पता है। वोटर आईडी, चूँकि वोटर आईडी जो है एड्रेस प्रूफ में यूज होता है, शुरू से ही यूज होता है, तो इसकी स्कैनिंग का जो तरीका है वो आप लोगों को सबको बताया हुआ है, चूँकि एड्रेस वाला पार्ट उसके बैक साइड में होता है। तो जब भी आप वोटर आईडी को यूज कर रहे हैं एड्रेस प्रूफ के रूप में तो बोथ साइड स्कैनिंग उसका करें। आप लोग काम कर रहे हो तो आपको पता होगा जब आप फ्रंट स्कैन करते हैं तो उसमें तुरंत जो है बैक स्कैनिंग के लिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके फिर स्कैन उसका बैक पार्ट जरूर करें, नहीं तो फिर उसको यूज करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो एड्रेस प्रूफ है और एड्रेस वाला पार्ट ही अगर हमने स्कैन नहीं किया। ऐसे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग जो है टू साइड या फिर टू पेज स्कैन करते होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। विशेषतः कई बार जल्दबाजी में हम लोग जो है उसका वन साइड ही स्कैन करते हैं या फ्रंट स्कैन करते हैं और बैक या जो भी एड्रेस वाला पार्ट था वो स्कैनिंग नहीं करते हैं, तो ये इनवैलिड डॉक्यूमेंट में कंसीडर किया जाएगा और उस पर फिर जो है रिजेक्शन काउंट किए जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम लोग।